भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में वैष्णवास्त्र भी एक है। वैष्णवास्त्र की सबसे बड़ी शक्ति इसकी गति मानी जाती है। इसकी अधिक ही तीव्र गति के कारण शत्रु के बचने की सारी संभावनाएं नष्ट हो जाती थी। पौराणिक पुस्तकों के अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार के समय ये अस्त्र पृथ्वी को प्रदान किया गया था, जिसके बाद पृथ्वी के पास से ये अस्त्र नर्क के राजा नरकासुर को प्राप्त हुआ। अंत में नरकासुर ने ये अस्त्र अपने पुत्र भागदत्त को प्रदान किया। भागदत्त प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। महाभारत के द्रोण पर्व में भागदत्त, अर्जुन और वैष्णवास्त्र की त्रिपुटी की संग्राम कथा देखने मिलती है। द्रोण पर्व में राजा भागदत्त और अर्जुन के मध्य हुए भीषण युद्ध का वर्णन मिलता है। युद्ध के दौरान अर्जुन के कंक पत्र से बने हुए बाणों से राजा भागदत्त अत्यंत ही घायल हो गया था। इस समय क्रोध में आकर उसने अर्जुन के मस्तक पर तोमरों का प्रहार शुरू कर दिया। अत्यंत ही कुपित होकर भागदत्त ने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, लेकिन पल भर में ही अर्जुन ने उसके धनुष को काट कर उसके तुणीरों के भी टुकड़े कर दिए। अर्जुन ने तुरंत ही 72 बाणों से उसके संपूर्ण मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों से घायल होकर अंतिम उपाय के स्वरूप में भागदत्त ने वैष्णवास्त्र प्रकट किया। वैष्णवास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसे शत्रु की दिशा में न चलाते हुए आकाश की ओर चलाया जाता है। ये अस्त्र ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बिजली की गति से दुश्मन की ओर नीचे की तरफ आता है। सभी दिव्यास्त्रों में से वैष्णवास्त्र की गति सबसे ज्यादा तेज है। भागदत्त के द्वारा अर्जुन को लक्ष्य में लेकर छोड़ा गया वैष्णवास्त्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने वाला था, परंतु इसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को पीछे करके स्वयं ही अपने ऊपर वैष्णवास्त्र का प्रहार ले लिया। परंतु श्री कृष्ण के पास जाते ही वैष्णवास्त्र वैजयंती माला के स्वरूप में परिणित हो गया। इस माला में से अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान प्रभाव फैलने लगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु स्वयं ही इसके निर्माता थे। इसीलिए वैष्णवास्त्र जैसा भयंकर अस्त्र दिव्य फूलों की माला में बदल गया। महाभारत काल में ये अस्त्र श्री कृष्ण के अलावा भगवान परशुराम, भागदत्त, महारथी कर्ण और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पास था, अर्थात ये सभी इस अस्त्र को चलाने की विद्या जानते थे। इसी के साथ ही रामायण काल में वैष्णवास्त्र का ज्ञान भगवान श्री राम और इंद्रजीत को था। यदि किसी भी योद्धा ने वैष्णवास्त्र का आह्वान कर लिया तो फिर इसे भगवान विष्णु के अलावा और कोई भी नहीं रोक सकता था। वैष्णवास्त्र के सामने कोई भी प्राणी, पशु या फिर मनुष्य या फिर असुर नहीं टिक सकता था। आज के इस वीडियो में हमने वैष्णवास्त्र के विषय में जानकारी दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।